नमस्कार, आप देख रहे हैं फरी जोबलेट एजुकेशन न्यूज। एजुकेशन अपडेट पाने के लिए फरी जोबलेट की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 17 नवंबर को एचटेट का एग्जाम होने वाला है। काफी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम के अंदर जिन क्वेश्चनों का आंसर हमें पता नहीं होता है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर उन क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, यानी एग्जाम के अंदर आपको तुक्का कैसे मारना है, तुक्का मारने का स्पेशल पॉइंट क्या है। जी हाँ, आपने काफी वीडियो देखी होगी तुक्के मारने को लेके, लेकिन आपको बता दें कि उन वीडियो की आलोचना हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि फरी जोबलेट पे आपका भरोसा है तो आपको बताने वाले हैं वैसा ट्रिक जिससे आपका आंसर की एक्यूरेसी ज्यादा नहीं, लेकिन आपको बताएंगे कि अगर आप 100 क्वेश्चन में तुक्का मारते हैं हमारे अकॉर्डिंग, तो आपके 100 में से 70 क्वेश्चन यानी 70% आपके आंसर बिल्कुल राइट होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे एग्जाम एक्सपर्ट ने जो है एनालिसिस किया है एचटेट के सभी एग्जाम को, पिछले एग्जाम जो हमारे एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट ने जो ये निर्णय लिया है कि एग्जाम का जो ऑप्शन डी होता है अधिकतर सभी क्वेश्चन का, लेकिन आपको बता दें कि लगभग 65% क्वेश्चनों का आंसर ऑप्शन डी होता है। अगर आप तुक्का मारने वाले हैं तो आप ऑप्शन डी जरूर सिलेक्ट करें, ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी ही आपके क्वेश्चन को जो है सही मोड पे ले जा सकता है और आप पेपर को लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जी हां, स्टेट एग्जाम में आप ऑप्शन डी चूज करिएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फरी जोबलेट, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आपको एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल पाए।